सारे बाइकर्स का देखो गाइस, एक बार चेक कर लो। ओ भाई देख लो, सबको देखो कैसे आ रहा है गाइस, देखो देखो क्रेजी गाइस, क्रेजी देख रहे हो। अलग सा एक बीस्ट है, बीस्ट बीस्ट। ये देखो R1 लिखा हुआ है, और ये देखो ओ भाई H2 का फ्लाई बाय। ओ भाई ओ भाई गाइस, सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए गाइस। तो गाइस आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो सबको सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक बॉम सा राइड पे, रिपब्लिक डे स्पेशल, और बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। फिलहाल तो मेरे साथ है बाइकर बॉय ओम, और आगे और भी कई सारे राइडर हम लोग को ज्वाइन करने वाला है। तो चलो अभी जाते हैं, बाकी राइडर से मिलते हैं। अरे हेलो ब्रो, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सारे राइडर्स, और गाइस देखो ओ भाई सारे जा रहे हैं आज रिपब्लिक डे स्पेशल राइड करने, और एक बॉम सा राइड होने वाला है। गाइस अभी आ चुका है टनल, और टनल में बूम बम सिर्फ सुनो। ओ भाई सुना गाइस, मुझे मालूम था ये लोग टनल में जोर से बूम बम करेगा ही। गाइस आज राइड पे ना कोलकाता का काफी सारा राइडर एक साथ एक जगह इकट्ठा होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत सारे सुपर बाइक्स भी आप लोग देख पाओगे आज के राइड में। तो इस दिन का ना सब लोग बहुत दिनों से इंतज़ार करता है, आज और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को। तो काफ़ी सारे राइडर्स हर जगह से एक जगह आता है, बहुत ही मज़ा आता है राइड करने में, और काफ़ी सारे राइडर्स के साथ हम लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, और कई सारे पुराने दोस्त भी एक साथ मिलते हैं आज। और गाइस फिलहाल तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं राइड पे, ये तो आप लोगों को बताने ही भूल गए। तो आज हम लोग राइड पे जा रहे हैं, पहले तो यहाँ से जाएंगे डानकुनी। डानकुनी पे और भी काफ़ी सारे राइडर के साथ मिलेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे सुपर बाइक्स आएगा, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। फिर वहाँ से सब लोग एक साथ राइड करते हुए जाएंगे आज़ादीन ढाबा की तरफ। और गाइस जल्दी से जल्दी एक वीडियो पे लाइक कर दो, और सुबह के टाइम ये नज़ारा एक बार देख लो, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस देखें आप लोगों ने आज जगह जगह ना सब लोग, मतलब आज इतना रश होता है राइड पे, क्योंकि काफ़ी सारे बाइक गाइस, प्राय 1000 से भी ऊपर बाइक्स आता है आज। तो जगह जगह सब लोग मतलब एक न्यूज़ दे रहा है कि आप लोग स्लो राइड करो और हेलमेट पहन के चलो, क्योंकि वही ज़रूरत है, क्योंकि आज काफ़ी सारे गाइस एक्सीडेंट्स होता है। आशा करता हूँ आज का राइड सेफ रहे सबका, कोई भी रश राइड ना करे ज़्यादा, जितना अपना लिमिट है उतना लिमिट पे चलाओ। सिर्फ आज की बात नहीं, हमेशा ही जितना अपना लिमिट है अपने लिमिट पे चलाओ। आप जितना कर सकोगे, जितना स्पीड आप मेंटेन कर सकोगे उतना करके चलाओ। तो गाइस अभी तो हम लोग आ चुके हैं बाली बीच पे, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो सामने गाइस एक और टनल, और बूम बम सुनो गाइस। मज़ा आ गया गाइस। और ये सुबह के राइड काफ़ी सुकून देता है, अपने सोल को बहुत ही सुकून मिलता है सुबह के राइड पे। एक जो मौसम भी काफ़ी सेक्सी होकर रखा है, एक अलग से ही ठंडा ठंडा वाइब है जनवरी के टाइम। और आगे देख सकते हो गाइस पूरा कोहरा छाया हुआ है, सेक्सी वेदर गाइस, सेक्सी वेदर। तो वही गाइस देखो, और ये आ गया हम लोग कानकुनी पे, और इधर सब लोग मतलब भगाते हुए जा रहे हैं, एक अलग ही मज़ा, अलग ही वाइब के साथ कि आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए अभी चलते हैं और देखते हैं गाइस, आप लोग भी देखते रहो। और ये रहा गाइस डानकुनी टोल प्लाजा, और इसके उस पर जाते ही एक अलग सा ही दुनिया आप लोग देख पाओगे। और देखो गाइस काफ़ी सारे बाइकर्स, कितने सारे बाइकर्स आए हैं, कितना सारा बाइक्स इधर है। सिर्फ एक बार व्यू को एंजॉय करो गाइस। ओ भाई सुनो सुनो, तो गाइस अभी देखो यहाँ का वाइब ज़रा सा, और काफ़ी सारे बाइक्स, मतलब आप लोगों को बोले थे कि टोल प्लाजा के इस पार आते ही कुछ अलग सा ही आप लोग दुनिया देख पाओगे। और देखो एक बार सिर्फ देख रहे हो गाइस। और ये रहा आज का हम लोगों का लाइनअप, भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये एनएस भी हम लोगों के साथ है, ये R15S हमारा ओम का बाइक, और इधर है टोक्यो, और सब लोग मज़ा कर रहा है इधर। और देख सकते हो इधर दो दो R15 V3 है मॉडिफाई करते हुए, एक डोमिनोर और एक और KTM RC 390। तो गाइस अभी तो हम लोग निकल चुके हैं डानकुनी टोल प्लाजा से, और आप लोग देख ही पाए बाइकर्स का हेवन, कितना सारा बाइकर्स आज आया था। और आज डानकुनी पे ज़्यादा देर तक नहीं रुके, क्योंकि आज पुलिस का झंझट था, इधर ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा आज़म ढाबा की तरफ। और काफ़ी सारे बाइक्स आप लोग अभी देख पाओगे, और भी आप लोग वेट करो गाइस, आप लोगों को दिखाएंगे सुपर बाइक्स, काफ़ी सारा सुपर बाइक्स भी आने वाला है आज। तो अभी लेते हैं एक लंबा राइड का मज़ा। और ये आगे अपने बाकी साथियों, तो चलो अभी ये देखो लग चुका है V3 वर्सेस R15S, और सारे फुल पावर के साथ चेस कर रहा है गाइस। ये अपना दूसरा पार्टनर, तो गाइस लोग आ चुके हैं हम लोग आज़ादीन ढाबा, और एक और बाइकर्स का हेवन, बाइक लवर्स का हेवन। देख सकते हो आते ही सारे बाइकर्स का देखो गाइस, एक बार चेक कर लो। ओ भाई देखो देखो कैसे आ रहा है गाइस, देखो देखो क्रेजी गाइस, क्रेजी। मज़ा आ गया। तो देखिए गाइस इतना ज़्यादा साउंड से कि हम लोग कुछ बोल भी नहीं, आई होप आप लोगों को सुना ही नहीं दिया। और इधर देखो गाइस RC 390 लेके बर्न आउट। ओ भाई गाइस क्रेज देख रहे हो इधर, कितना सारा क्रेज। लुक एट द व्यू गाइस, जहाँ देखोगे उधर बाइक्स ही बाइक्स है। देखो देख रहे हो कितना सारा बाइक्स और काफ़ी सारा सुपर बाइक्स भी है गाइस। तो उधर शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है सुपर बाइकों का। अरे यार क्या ही साउंड है, म्यूज़िक। हम लड़कों के लिए म्यूज़िक है ये अलग सा, देख रहे हो। ये देखो गाइस, ओ भाई देख रहे हो Z1000, क्या लग रहा है Z1000। देखो ओ भाई, ओ भाई चेक द बाइक्स गाइस, R1 देख रहे हो गाइस, क्या ही लग रहा है। ये वन ऑफ माय फेवरेट बाइक में से एक है और ये कोलकाता में एक ही है अभी तक। BS4 मॉडल है और इसका लुक देखो एक बार, देख रहे हो गाइस क्या लग रहा है। अलग सा एक बीस्ट है, बीस्ट देख रहे हो क्या लग रहा है। तो गाइस एक बार आप लोगों को इसके बैक साइड से भी इसका लुक चेक करा देते हैं। और देखो गाइस, देख रहे हो क्या ही लग रहा है। इसका बैक लाइट देखो एक बार, दो साइलेंसर के साथ आता है। ओ भाई क्या लग रहा है। और इसका इंजन देखो एक बार गाइस, सिर्फ कितना बल्की है। और ये देखो R1 लिखा हुआ है और इसका कंसोल देख लो एक बार, देख रहे हो कुछ अलग सा ही बीस्ट सा बाइक है। ये बहुत ही खूबसूरत और मेरा मनपसंद सा एक बाइक है। और ये देखो, ओ भाई H2 का फ्लाई बाय, ओ भाई 2 hours later। बस देख सकते हो अभी रुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे और बहुत ही बढ़िया प्लेस है यहाँ पे। और रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह को राइड पे निकले थे तो भूख सूख लग गया और आज़ीम ढाबा पे नहीं रुके। चलो आप लोगों को ये जगह एक बार दिखा देते हैं अच्छे से। तो देख सकते हो पहले एंट्री पे पूरा गार्डन है इधर, और ये रहा वो NH2 किचन, ये जगह का जो ढाबा है, ढाबा का नाम। और हम लोग बैठे हैं गाइस कुछ इस तरह की जगह पे, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है इधर बैठने के लिए, परफेक्ट है। और आज़ीम ढाबा पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। बाइकर्स, इतना बाइकर्स आया था कि उधर पुलिस आ गया था। तो हम लोग निकल के आए कुछ ऐसे जगह पे, शांति से खाना पीना कर पाए इसलिए इधर ही रुक गए थे। तो अभी गाइस खाना पीना कर लेते हैं। तो गाइस अभी इधर सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है और भाई लोग सब खाने में एकदम मस्त से वेट कर रहा था खाने का बहुत देर तक। और अभी हम लोग ऑर्डर किए हैं पूरी। तो आज के राइड में गाइस काफ़ी मज़ा आया, सब लोगों को भी मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, इधर से निकल रहे हैं। बहुत देर तक रुके, सुबह को 6:30 बजे निकले और अभी हुआ है 11:17। तो ये रहा बाकी बाइकर्स लोगों का बाइक सब, और हम लोग अभी कुछ ही बंदे निकल रहे हैं और बाकी लोग इधर ही स्टे कर रहा है। तो हम लोगों का कुछ काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। और ये लो, चलो हाँ चल चल टाटा। और भाई सामने व्हीली दिखाते हुए देखो गाइस, ओ भाई देखे गाइस, हीरो शाइन से व्हीली, सुपर सेक्सी। फिलहाल तो अभी जाना है 70 किलोमीटर, फिर से वापस आए थे देख सकते हो 70 किलोमीटर और जाना है अभी 70 किलोमीटर। सो गाइस फिलहाल तो हम लोगों का राइड हो चुका है ख़त्म और अभी रुके हैं डानकुनी टोल प्लाजा के सामने। बहुत देर तक राइड करने के बाद इधर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं, थोड़ा टी ब्रेक हो जाएगा। और गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा आज राइड करके, एक अलग सा ही फीलिंग। 26 जनवरी को राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और नेक्स्ट फिर से होगा एक ऐसा ही बड़ा एक राइड होगा, वो होगा 15 अगस्त को। तो चलो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए करते हैं इस व्लॉग को इधर ही एंड। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसे ही मस्त व्लॉग पे। तब तक के लिए गाइस टाटा, बाय बाय, टेक केयर।